Good afternoon everyone. Today we are going to start lesson number 4, grammar junction. The topic of this lesson is capital letters. Capital letters हम कहाँ कहाँ use करते हैं ये आपको इस chapter में topic clear किया जाएगा. सबसे पहले तो capital letters को use करने के अपने rules होते हैं. यहाँ पर different types of rule हैं. First rule, the first letter of the first word is always a capital. जब भी कोई sentence start होता है उस सेंटेंस की स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहां पर लिखा ही इज अ गुड प्लेयर. ये आपका एक पूरा सेंटेंस है. इसमें ही है वो आपका सब्जेक्ट है या फर्स्ट वर्ड आप मान लीजिए. इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा. अगर इसकी जगह ही ऐसे लिखते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत माना जाएगा. अगर इसकी जगह दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लिखा हुआ है द पेन इज ब्लू. सो द फर्स्ट वर्ड है. फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल इन द सेंटेंस. ठीक है ये पहला. इसके बाद आते हैं हम सेकेंड नंबर कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है. डे ऑफ अ वीक. वीक नेम में चाहे वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस है क्यों ना है. मिडिल ऑफ द सेंटेंस का मतलब पैराग्राफ के बीच में या सेंटेंस के बीच में ही वो वर्ड क्यों ना आए वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जस्ट लाइक एम ओ एन डी ए वाई मंडे. एम इज कैपिटल. टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे. टी इज कैपिटल. सो डे ऑफ वीक नेम इज फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल. नेक्स्ट रूल डे ऑफ मंथ. मंथ नेम जब हम लिखते हैं जनवरी जे इज ऑलवेज कैपिटल. सपोज मैंने यहां लिखा February. F is always capital because this is the first letter of word. Name of cities just like Indore, I capital, Delhi, D capital, Ujjain, U capital. Name of the people. पीपल यानी पर्सन नेम. पर्सन नेम हमेशा कैपिटल होते चाहे वो आपका नाम हो या किसी और का नाम लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर नेम और सरनेम दोनों के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं. जिसका एक मैंने यहाँ लिखा राहुल. आर कैपिटल. किरण. के कैपिटल. शीतल. एस कैपिटल. ओके द लास्ट रूल इज द लेटर आई इज ऑलवेज कैपिटल. लेटर आई जो होता है वो चाहे किसी भी सेंटेंस के बीच में आ रहा हो किसी भी वर्ड के किसी भी लाइन के बीच में आ रहा हो पैराग्राफ के बीच में आ रहा हो आई कहीं भी आए वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. आई स्मॉल लेटर में कभी भी लिखा नहीं जाएगा. तो ये थे आपके रूल. फर्स्ट रूल इज फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल. डे ऑफ वीक में इज कैपिटल. डे ऑफ मंथ. नेम ऑफ सिटीज. नेम ऑफ पीपल. एंड लेटर आई इज ऑलवेज कैपिटल. अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. सपोज यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आई लव टू गो टू स्कूल. दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग. रॉन्ग व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट लेटर इज स्मॉल. स्टार्टिंग द सेंटेंस फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल. आई लव टू गो टू स्कूल. एक मिसिंग चीज और है यहां सेंटेंस की एंडिंग में फुल स्टॉप नहीं लगा है. जब भी सेंटेंस हम एंड करते हैं तो उसके
यहाँ से फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है. जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं इट मीन्स वो सेंटेंस वहां पर खत्म होता है. लुक एट सम एग्जांपल. सपोज आई राइट हियर शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. सो करेक्ट सेंटेंस इज शी का एस कैपिटल माय बेस्ट फ्रेंड. एंड ऑफ द सेंटेंस पुट हियर फुल स्टॉप. द कंप्लीट सेंटेंस इज देयर. नेक्स्ट सपोज यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है. अब सेंटेंस करेक्ट करना और इनकरेक्ट सेंटेंस को अगर हम आइडेंटिफाई करें, ये तो सब सिंपल था कि आपको स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर पुट करना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम था और लास्ट एंडिंग ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप पुट करना है. सपोज अगर मैं रीअरेंज द वर्ड्स बोलूं तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाना है. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ऐसी चीज है जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं. इट मीन्स द मेक ऑफ सेंस वर्ड सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है. A group of words that make a sense is called a sentence. Suppose यहाँ लिखा हुआ है, he is a barber. और मैंने यही sentence दोबारा लिखा, he a barber is. Which is the sentence right? Which one is the right? He is a barber. Or he a barber is. Of course, the first is right because this sentence a group of words that make a complete sentence. ये sentence हमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, तो ये sentence correct हुआ. ठीक है. अगर एक question और मैं ऐसे दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा, cow the grass eats. तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट मीनिंगफुल में है? नहीं. हम इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, द काउ ईट्स ग्रास. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको सेंटेंस मेकिंग और कैपिटल के बारे में बताया गया था. कैपिटल के रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, कैपिटल्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं. दूसरा, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस, यानी कि ऐसा ग्रुप अक्षरों का समूह जो आपको समझ में आए. अगर आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है या वो समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो इनकरेक्ट सेंटेंस है. और अगर वो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, इट मीन्स वो करेक्ट सेंटेंस है. So I hope this topic is clear to you. This topic is present in your book in page number 108. So look at it. Have a good day.